देखिए अभी 60 के आसपास स्पीड है, अभी मैं सेकंड गियर में डालूंगा ऑन द गो सेकंड गियर। अभी देखिए यहाँ पर मैं एक राइट टर्न करूँगा, तो यहाँ पर मुझे ब्रेक अप्लाई करते हुए ये काम करना पड़ेगा। देखिए ब्रेक टोटल फ्लिप सेकंड गियर, अभी मैं 4 नंबर गियर में डाला, आगे एक बैरिकेड है तो यहाँ पर मैं देखिए 3 नंबर गियर में डाल दिया, ठीक है। फोर्थ गियर, अभी मैं दोबारा 3rd गियर में जाऊँगा, ठीक है। 3rd गियर में गया। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है आर्ट ऑफ ड्राइविंग चैनल में। दोस्तों ये वीडियो है क्लच कंट्रोल से रिलेटेड एडवांस ड्राइविंग लेसन का। तो दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप क्विकली गाड़ी को एक्सीलरेट कर सके, और इसके लिए दोस्तों आपको एक टेक्निक सीखना पड़ेगा जिसका नाम है रेव मैचिंग। तो रेव मैचिंग में क्या होता है, जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं रनिंग गाड़ी में, तब देखेंगे क्लच प्रेस करने के बाद गाड़ी का इंजन आरपीएम घट जाता है, एंड देन जब आप गाड़ी का क्लच रिलीज करते हैं उस टाइम में क्या होता है दोस्तों, एक झटका जैसा महसूस होता है। क्लच रिलीज करने से पहले आरपीएम को थोड़ा ब्लिप करके बढ़ाना पड़ता है। तो इसे आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले आपको थ्रॉटल ब्लिप करना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, फुल क्लच, देखिए मैं कुछ इस प्रकार से थ्रॉटल ब्लिप कर रहा हूँ, ये देखिए 1500 से 2000 जा रहा है। तो ये आपका जो प्रेशर आप दे रहे हैं थ्रॉटल के ऊपर, इसका मेजरमेंट है। ऐसा नहीं करेंगे ताकि इतना ज़्यादा हो जाता है, आप जितना चाहते हैं उतना प्रेशर देना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं अभी 2000 में कांस्टेंट आरपीएम में गाड़ी को रखने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको पहले करना पड़ेगा, देन आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लच प्रेस करके थ्रॉटल ब्लिप देन क्लच रिलीज, क्लच प्रेस करके थ्रॉटल ब्लिप देन क्लच रिलीज, ठीक है। ये चीज पहले आपको गाड़ी को खड़ा रखकर न्यूट्रल गियर में हैंड ब्रेक डाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी एक प्लेन जगह पे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप गाड़ी को सड़क में ले जाइए, एंड देन मैं दिखा रहा हूँ आप इसे कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए मैं गाड़ी को लॉन्च करता हूँ, 1 नंबर गियर में डाला नॉर्मल लॉन्च, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर, अभी मैं गाड़ी को मेन रोड में लेके जाऊंगा ताकि वहां पर मैं ये आपको करके दिखा सकूं। तो सीक्वेंस ये है दोस्तों, जब मैं डाउनशिफ्ट करूंगा क्लच प्रेस करके गियर चेंज करूंगा, डाउनशिफ्ट करूंगा, और डाउनशिफ्ट करने के टाइम थ्रॉटल से पैर उठा लूंगा, और उसके बाद जब मैं क्लच रिलीज करने जाऊंगा तब मैं थोड़ा थ्रॉटल ब्लिप कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, सिग्नल ग्रीन हो गया तो मैं क्रिप यूज कर रहा था। दो नंबर गियर में डाला, 3 नंबर गियर में डाला, अभी देखिए मैं यहाँ पर अगेन 2 नंबर गियर में डालूंगा, ठीक है। क्विक एक्सीलरेशन 3 नंबर गियर, इसे आपको जब भी आप करेंगे एक्सीलरेट होने के बाद आप शिफ्ट कर लीजिए। ज़्यादा देर अगर आप लोअर गियर में रहेंगे तो आपका फ्यूल इकोनॉमी बिगाड़ेगा फॉर श्योर, जब ज़रूरत पड़ता है तभी इसे कीजिए, ठीक है। देखिए अभी 4 नंबर गियर में है तो अभी मैं 3 नंबर गियर में डालूंगा, ठीक है। देखिए 3 टोटल ब्लिप क्लच रिलीज, तो देखिए 3 नंबर गियर में बहुत फास्ट हो गया, अभी मैं 4 नंबर गियर में डाल दिया। तो जब इसका ज़रूरत पड़ता है आपको तभी ये करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने सपोज ओवरटेक करने का कोशिश किया, बहुत ही ट्रिकी ओवरटेक, सामने से बहुत दूर से कुछ आ रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत है, इन दैट सिनेरियो दोस्तों ये टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर आप क्विकली निकलना चाहते हैं। देखिए 3rd गियर में किया, थ्रॉटल ब्लिप क्लच रिलीज, उसके बाद दोस्तों गाड़ी का स्पीड मैंने बढ़ा लिया 4th गियर। देखिए अभी 60 के आसपास स्पीड है, अभी मैं सेकंड गियर में डालूंगा ऑन द गो सेकंड गियर, ठीक है। कुछ झटका नहीं लगा सेकंड गियर में, आप कब डालेंगे, जब आप पहाड़ियों में चलाएंगे, जब आपको ज्यादा ताकत का जरूरत पड़ेगा, इन दैट सिनेरियो आप
लोअर गियर में डालेंगे। हाई रोड में जब आप चलाएंगे और आपको अगर ओवरटेक करने का जरूरत पड़े देन यू हैव टू यूज थर्ड गियर। थर्ड गियर में बहुत फास्ट ओवरटेक होता है दोस्तों, खास करके हाईवे में। एंड ओवरटेकिंग करने के टाइम दोस्तों फास्ट ओवरटेक करिए, स्लो ओवरटेक करना बहुत हैजर्डस है। स्लो ओवरटेक करने से दोस्तों कभी कभी बहुत गलती हो जाता है, सामने से अगर कोई आता है तो उनको तकलीफ होता है, खास करके टू वे रोड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थर्ड गियर से मैं फोर्थ गियर में आप शिफ्ट किया, अभी देखिए मैं फिर से थर्ड गियर में डाउन शिफ्ट किया और स्पीड को बढ़ा लिया। ठीक है, फोर्थ गियर में आप शिफ्ट, थर्ड गियर में डाउन शिफ्ट, सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट। देखिए अभी स्पीड स्लो कर दिया मैंने विदाउट प्रेसिंग ब्रेक। अभी यहाँ पर एक सिग्नल है, आई हैव टू स्टॉप कम्प्लीटली हियर। सिग्नल ओपन हो गया दोस्तों, दो नंबर गियर में मैंने डाल दिया, तीन नंबर गियर। अभी देखिए यहाँ पर मैं एक राइट टर्न करूँगा, तो यहाँ पर मुझे ब्रेक अप्लाई करते हुए ये काम करना पड़ेगा। देखिए ब्रेक, थ्रॉटल फ्लिप सेकंड गियर, ब्रेक थ्रॉटल फ्लिप फर्स्ट गियर, तीन नंबर गियर में डाल दिया दोस्तों। अभी यहाँ पर मैं लेफ्ट टर्न लूँगा। ठीक है, देखिए मैं सेकंड गियर में डाल दिया और यहाँ पर मैं सेकंड गियर में टर्न लिया। तो दोस्तों इस टाइप का टर्निंग में लोअर गियर बहुत अच्छा काम करता है। टर्निंग में आप अगर फास्ट निकलना चाहते हैं और आप अगर हायर गियर में रहते हैं तो दोस्तों ट्रैक्शन उतना अच्छा काम नहीं करता है। देखिए सेकंड गियर में किया, थर्ड गियर, अभी मैं स्पीड अप कर रहा हूँ फोर्थ गियर, अभी फिर से मैं थर्ड गियर में करूँगा। ठीक है, नोटिस किया आपने कि मैंने जैसे क्लच रिलीज करने वाला था ठीक एट दैट मोमेंट मैंने थ्रॉटल ब्लिप कर दिया एंड देन क्लच रिलीज किया। ये टाइमिंग ठीक से करने के लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी मैं चार नंबर गियर में डाला, आगे एक बैरिकेड है तो यहाँ पर मैं देखिए तीन नंबर गियर में डाल दिया। ठीक है, तो तीन नंबर गियर में डालने से क्या होगा दोस्तों, मुझे ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, मैं बहुत ही आसानी से इस जगह को क्रॉस कर लिया। यहाँ पे और एक बैरिकेड है, देखिए यहाँ पर मैं दो नंबर गियर में डालूँगा। ठीक है, दो नंबर गियर में डाल दिया, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। तो अब देख सकते हैं मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से, तो मुझे ज़्यादा क्लच का यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो दोस्तों डाउन शिफ्ट अगर आप प्रॉपरली सीख जाएंगे रेब मैचिंग यूज़ करके तो आप गाड़ी का पिकअप तुरंत ले पाएंगे, आप गाड़ी का स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे, इंजन ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, और दोस्तों बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी थर्ड गियर में है, देखिए फोर्थ गियर, अभी मैं दोबारा थर्ड गियर में जाऊँगा। ठीक है, थर्ड गियर में गया, स्पीड देखिए 70 के आसपास चला गया। मैं चाहता तो यहाँ पर 80-90 का स्पीड भी पकड़ सकता था और वो भी बहुत फास्ट, क्योंकि मैं तब थर्ड गियर में था। अगर फोर्थ या फिफ्थ गियर में मैं उतना क्विकली एक्सेलरेशन करने का कोशिश करता तो दोस्तों गाड़ी का इंजन लग करने लगता। थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, देखिए फिफ्थ गियर 1500 के आसपास आरपीएम। अभी मैं फोर्थ गियर में लाऊंगा, फोर्थ गियर में आ गया, अभी देखिए मैं थर्ड गियर में जाऊंगा। ये रोड थोड़ा ख़राब हो गया इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड यहाँ पर नहीं उठा रहा हूँ,
आगे एक स्पीड ब्रेकर है दोस्तों, देखिए फर्स्ट गियर, ठीक है, रेब मैच कर दिया। तो फर्स्ट गियर में जाने के बावजूद भी दोस्तों गाड़ी में कोई झटका नहीं लगा, बहुत ही आराम से फर्स्ट गियर में उठ गया। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर आप गाड़ी चलाएंगे और डाउनशिफ्ट करेंगे तो मैनुअल कार चलाने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये टेक्निक दोस्तों आप ज़रूर सीखिए और इस्तेमाल करके देखिए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, और इस तरह का और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों पेज को फॉलो कीजिए।